जो बात मैंने कही कि जो लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल भाई सही। हिंदुओं को दे दो, सद्भाव से रहो, काशी मथुरा दो, अगर उनकी बड़ी आस्था का विषय है तो दे दीजिए, हाँ? तो आप लोगों का जो कुनबा है उसकी जमीन पर आवाज उतनी बुलंद नहीं ना मित्र बिल्कुल सही बात, बिल्कुल जी। सही बात। देखें, कैदों के सच बोलने के तौर तरीके नहीं रहे, पत्थर हाँ बहुत हैं शहर में, शीशे नहीं रहे। जो ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, जो इस्लाम का, कि हम इस्लाम को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, हम धर्म को मानते हैं, हम मुसलमानों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं, मैं मुस्लिम नेताओं की बात कर रहा हूं, ये कहां से हैं? जब हमारे दिमागों में, हमारे दिलों में जहर घोल देते जी हैं कि हिंदू लोग जो हैं, या एक पार्टी विशेष को निशाना आजकल बताया बनाया जाता है, वह है भारतीय जनता पार्टी, या संघ को निशाना बना लेते हैं, ये बिल्कुल इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते कि गलती चाहे किसी की भी है, ये मेरे ईमान की निशानी है। अगर गलती मेरी है, अगर मेरे चाचाओं की गलती है, तो उस गलती को मैं बखूबी कबूल करूं। देखिए सर, उस वक्त में मैं क्या कह रहा हूं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आज जी उसकी सजा जो औरंगजेब कर गए, जो बाबर कर गए, उसकी सजा हम जैसे मुसलमान यहां पर इस हिंदुस्तान में भुगत रहे हैं। बहुत पीड़ित हैं हम लोग, हिंदुओं से पीड़ित नहीं है, हम अपने नेताओं से ठीक पीड़ित है। हैं, फरहत हम अली खान अपने रुकिए, रहनुमाओं से पीड़ित क्या हैं। असलम मलिक साहब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए। हाँ ना, आपकी आवाज आ रही है, अरे आवाज सुन ठीक, रहा है। जो बात फरहत अली खान कह रहे हैं कि औरंगजेब, बाबर, तैमूर, गजनी और गौरी के कारनामों की हिमाकतों की सजा आज का हिंदुस्तान का मुसलमान भुगत रहा है, असलम अली क्या कहेंगे? मैं इन बातों को इंड्रोस करना और नहीं करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये फरहत साहब की अपनी जबान है, अपनी जबान है, वो अपने अल्फाज निकाल लें। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ अमिताभ जी, मैं ये बात रखना चाहता हूं कि हम उन मुगल अंपायर्स के बारे में, उन मुगल शासक के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उन्होंने इस मुल्क में हुकूमत किया। हम उसको ना मुसलमान के एंगल से देखते हैं, ना उनको हिंदू के एंगल से देखते हैं। शासक हमेशा शासक होता है। मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन हिस्ट्री भी जानता हूँ। हम उनको एक मुगल काल के पीरियड के नाम से जाना जाते हैं, उन्होंने यहाँ हुकूमत की, उनकी हुकूमत में अच्छाइयां बुराइयां जो भी रही वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन जो बात आज आप मेन डिबेट कर रहे हैं, इस हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत मजबूत है, देश से बहुत मोहब्बत करता है, और इस हिंदुस्तान का मुसलमान गंगा, जमनी, तहजीब और सौहार्द हमेशा बनाए नहीं, रखने अलीम से साहब मिली कहां करता। गंगा रही कहां जमुना रही, ये भाईचारा गंगा जमुना, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये तीन चीजें तो बिल्कुल बेमानी हो गई, ये गाना भी बेमानी हो गया। नहीं कुछ नहीं, देखिए ये ना 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 चीजें ना, पार्ट, अब ये सब शोरों, अब ये सब शोकेस की चीजें हो गई कि भाईचारा गंगा जमुनी और क्या है, वो हम बुलबुले हैं इसके, गुलसिता हमारा, ये गुलसिता ना 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 हमारा। ना, हाँ, लेकिन ये अब सब गेंदा चीजें अलग, गुलदाउदी अलग, गुलाब अलग, अब लेकिन कहां गुलिस्ता है? ये तमाम से ही एक बागीचा बनता है, एक तमाम से ही एक गुलसिता बनता है, और इस तमाम चीजों, तमाम फ्लावर से हिंदुस्तान बनता है, ये मेरा कहने का मतलब ये है। ये पार्ट टाइम कहां बन रहा है महाराज, कोई किसी की मान रहा है नहीं? नहीं देखिए, मैं अपनी बात रख दूं, उसके बाद आप सवाल कीजिए, मेरा कहना कुछ और है। मैं इस मुल्क से तमाम लोगों की जो एक मोहब्बत है, एक जो प्रेम है वो है। ठीक है, आपकी बात अपनी जगह सही है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल बात करते हैं, और प्रैक्टिकल बात करने वाले अगर कोई जर्नलिस्ट हैं तो आप हैं, बहुत सारे और भी होंगे, लेकिन इस प्रैक्टिकलिटी में एक बात तो सच है कि उनकी तादाद कितनी है। जो बात आप कह रहे हैं उसकी तादाद, उसकी संख्या हिंदुस्तान में कितनी है, क्योंकि वो हेडलाइन इसलिए बनती है कि उनकी तादाद बहुत कम है। आज भी इस मुल्क में आप तमाम चीजें देख रहे होंगे, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो कहीं भी हो, आज भी सौहार्द, आज भी जो कॉमनल फोर्स है, या कोई आदमी भड़काने वाला है उस पर कोई बिलीव नहीं करता है, क्योंकि हेडलाइन न्यूज इसलिए बन जाती है कि कोई घटना घटती और बन जाती है। मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूं, मेरा साफ कहना है कि अदालत में, असलम साहब जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारी आंखों ने, कंचन जी आएंगे, हमारी आंखों ने
इस 35 बरस के पत्रकारिता में ऐसे ऐसे दौर देखे, हमने मलयाना देखा, हमने हाशिमपुरा देखा, हमने अलीगढ़ में हर तीसरे दिन होने वाला बवाल देखा, बरेली देखा, सहारनपुर देखा, और छोड़ दी बहुत सारे करे। और मैं एक छोटी बात कह के फिर गोविंद शर्मा जी से कुछ समझूंगा, फिर कंचन जी के पास जाऊंगा। एक सेकंड सुन लो, एक सेकंड सुन लो। इस हिंदुस्तान की मुश्किल मालूम क्या है? एक बार जो कश्मीर में बड़े गिलानी थे ना, अब जो नहीं रहे हैं, वो आए यहां दिल्ली, ऐवाने गालिब एक जगह है, हॉल है यहां, वहां उनकी सभा थी, क्लोज डोर मीटिंग। सुन लीजिएगा भैया असलम साहब, ये बहुत जानना जरूरी है। मैं गुलिस्ता वाला गाना नहीं गाता कभी ना, मैं जमीन पर देखता हूं गुलिस्ता कहां है। जिस दिन मुझे मिल जाएगा उस दिन मैं कहूंगा गुलिस्ता हमारा, उससे पहले किसी कहने से नहीं कहूंगा। मैंने एक जुगाड़ लगा लिया एक पत्रकार के नाते, मैंने कहा भाई मुझे भी ले चलो। उन्होंने कहा ना आप जाओगे पकड़ जाओगे तो बहुत मारेंगे सब लोग। मैंने यार बना बनूक ले चल किसी तरीके से है, तो खैर भेष बदल बदल करके जैसे करके हम घुस गए, हम भी बैठ गए पीछे। उनके दामाद मेरे परिचित भी थे, वो पत्रकार थे छोटा दामाद, तो मेरा दोस्त भी था। तो मैंने कहा यार अगर कोई मारपीट की स्थिति आए तो बचा लेना, बाकी मैं खुद देख लूंगा। अब मैंने बड़े गिलानी साहब का भाषण सुनना शुरू किया, हिंदुस्तान मेरे जूते की नोक पर, कॉन्स्टिट्यूशन मेरे जूते की नोक पर, उनने सबको जूते की नोक पर रख दिया। और शरीर में जान नहीं थी कतई है, गिर पड़े तो उठना मुश्किल, चार आदमी लगे तो मौलाना को उठाए क्या, और उनने कुत्ता बिल्ली सब बना दिया हिंदुस्तान को। मेरे लिए बैठना अझेल हो गया। और उसके बाद सबसे ज्यादा दुख मालूम किस बात का हुआ? दुख इस बात का हुआ जब जिन्होंने हिंदुस्तान को जूते की नोक पर बता दिया, वो जब निकले तो दिल्ली पुलिस की दो जिप्सी उनको एस्कॉर्ट करके ले गई, और वो पेंशन भी पा रहे थे भारत सरकार से ही घाटी में पूर्व विधायक के नाते। अब वो उनने वहां लोगों से कहा कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं। ऐसे लोगों को सिर माथे बैठाएंगे वो ऑल इंडिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रहे जब तक जिए, तब कैसे कैसे बात बनेगी? मैं बता रहा हूं सर, फिर कौन गुलिस्ता, मैं तो नहीं गा सकता ये गुलिस्ता हमारा। गोविंद जी आएंगे आपके पास, असलम भाई आएंगे। गोविंद जी मूल समस्या यहीं पर है, जब तक हम ये तय नहीं करेंगे कि गौरी से, गजनी से, औरंगजेब से, हमको तय तो ये तो करना होगा ना कि हमारा सूत्र, गुण सूत्र, गौरी, गजनी, तैमूर, नादिर शाह, अब्दाली, औरंगजेब से है या दूसरे लोगों से है, ये तो तय करना होगा गोविंद जी। निश्चित, हमें हमारे देश के मुस्लिम भाइयों को जो हमलावर रहे हैं उनसे अपने आप को दूर करना होगा, उनका महिमा मंडन करने की बजाय अब देश में हिंदू मुसलमान साथ साथ कैसे देश को आगे लेकर के जाएं, इस पर विचार करना होगा। अभी जो फरहत साहब, जो फरहत अली खान अध्यक्ष हैं मुस्लिम महासभा के, उन्होंने जो कहा हम उसका स्वागत करते हैं, और जैसी उनकी सोच है वैसी सोच अगर देश के मुसलमान भाइयों की हो जाए तो इस देश के सारे विवादों का समाधान हो जाए। लेकिन अभी आप जिनकी चर्चा कर रहे थे, जो कि देश को जूते की नोक पर रखते हैं, संविधान को जूते की नोक पर रखते हैं, ऐसे लोगों को नमक हराम कहते हैं। ये देश संविधान के आलोक में चलेगा, ये देश अदालत के आदेशों से चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। और जो लोग ये कहते हैं कि मस्जिद मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाई गई है, अरे तमाम ऐतिहासिक प्रमाण है, सिर्फ काशी के अंदर कई ऐसे स्थान हैं जो हमलावरों ने तोड़े और उनके स्थान पर मस्जिद खड़ी की। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बताइए आप कि ये देश हिंदुओं का देश रहा है, काशी मंदिरों की नगरी रही है, पूरे उत्तर भारत में एक भी ऐसा मंदिर नजर नहीं आता जो कि 300-350 वर्षों से पुराना हो। कहां गए वो सारे मंदिर हमारे? काशी में आप हर चौराहे पर जाएंगे आपको एक बड़ी मस्जिद दिखाई पड़ेगी, वहां काशी के मंदिर कहां चले गए? तो ये सच स्वीकार करिए आप,
इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि सारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, इस देश के अंदर विवाद है, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। तो अगर अब आप ये चाहते हैं कि इस देश में शांति रहे, सौहार्द रहे, तो उन सारे विवादों पर उससे राजनेताओं को दूर करिए, विवादों से राजनेताओं को दूर करिए, संत बैठे, धर्म गुरु बैठे, दोनों समाज के बुजुर्ग बैठे और अदालत का भी मुंह न देखें। समाज को आपस में बैठ करके तय कर लेना चाहिए कि इन स्थानों पर विवाद है, हम आज से बैठ करके इन विवादों का समाधान करते हैं और जल्द से जल्द ये काम हो जाए, और नहीं तो कम से कम संविधान में विश्वास रखिए, झूठी सीधी कहानी ये सुनाना बंद करिए। ठीक बात, मैं आऊंगा असलम भाई के पास, उससे पहले कंचन जी के पास चलूंगा। जो बात गोविंद शर्मा कह रहे हैं ना, ये बात अयोध्या के समय भी बहुत आई, लेकिन वही बात मैं तो अयोध्या को बहुत एक पत्रकार के नाते बहुत गंभीरता से उसको कवर किया उस समय से, जब पहली बार संघ के मन में विचार आया कि भाई ऐसा काम होना चाहिए, और फिर विश्व हिंदू परिषद के जन्म की एक रूपरेखा बनी वहां से लेके और 6 दिसंबर तक। लेकिन पंचों की राय शर्माते, खटोला यहीं बिछेगा, हुआ गा जाया कुछ नहीं, मीटिंगों में कई कुंटल काजू खराब खा गए होंगे, कई कुंटल फल और बर्फी खर्च हो गई होगी, लेकिन निकला कुछ नहीं, जो होना था वो वहीं से हुआ जहां से होना था, सुप्रीम कोर्ट से। कंचन जी, आपको क्या लगता है, क्या ऐसी स्थिति है कि राजनीतिक लोग अलग हो जाएं? अव्वल तो मुझे इसी में शक, राजनेता किसी भी जहां विवाद वहां राजनेता, विवाद राजनेता है इसीलिए तो विवाद है। राजनेता धर्मगुरुओं को धक्का दे देगा, कहेगा मुझे जरूर रखो। कंचन जी, क्या देश में राजनीति इतनी परिपक्व हो गई है कि प्रचार वाले किसी मुद्दे से खुद को दूर रख ले कुछ देर के लिए सही? जी अमिताभ जी, यही समझ में आ रहा है कि ये कुछ लोग क्यों ऐसे कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा देश का मामला है, प्यास का मामला है, हमारी संस्कृति का मामला है। अगर जैसा कि मैंने अभी असलम जी को सुना, वो एक बात कह रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब, जो कि आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि मुझे भी बर्दाश्त नहीं होती, और अगर ऐसा है तो फिर इस टाइम तो आपके ही बारे में गंगा जमुनी तहजीब का पूरा मामला है, आप क्यों उसे पालन नहीं करते हैं? आपके सामने प्रत्यक्षम के प्रमाण, आपके सामने सारे साक्ष्य आ रहे हैं, और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, हमारे आगे दस्तावेज है इतिहास में, 1669 में 2 सितंबर को औरंगजेब ने आदेश दिया, उसके हवाले से हमारा मंदिर तोड़ा गया, वहां मस्जिद बनाएगी, आपके सामने पूरा पूरा तथ्य है। इसके बाद में आप कहोगे हम गंगा जमुनी तहजीब से आते हैं, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि वहां पर कुछ हुआ है, ये नहीं मानेंगे जैसे मैंने प्रिंस को सुना कि नहीं वहां पर तोड़ा गया है, मुझे बात ही समझ में आती कम से कम अभी निभा लीजिए। और एक बात मुझे बड़ी खटकती है, मैं थोड़ा पार्टी से हट करके भी बात करूं, कि अगर आपको ऐसा लगता है, आपको तो यहाँ पर गलती संवारने और सुधारने की आवश्यकता है, आज प्रमाण मिल रहे हैं, आप ये स्वीकार करिए, इसे सुधारिए और ये स्वीकार करके चलिए कि आपके जो औरंगजेब, या अगर आप उनको कुछ मानते हैं, पहली बात तो हिंदुस्तान के वो कुछ है नहीं और आप हिंदुस्तान के हैं, तो आप ये समझिए कि उन्होंने जो गलती की है, आप उसे 350 साल से ज्यादा गलती को ढोते चले आ रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर जो एक मजहब है वो कहता है रूप की पूजक नहीं है, और आप 350 साल से स्वयं रूप के नीचे या ऊपर या फिर उनके सामने आप अपनी नमाज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है आप तब से निकल ठीक है। कंचन जी, आएंगे आपके पास दोबारा।